हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन होंगे टोटल अपने 25। लास्ट में स्कोर जरूर बताना है, टोटल स्कोर आज की क्लास में आपका कितना हुआ है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्लास पसंद आए इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ग्रुप्स में ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है आपका 1 कि माय फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग वॉलीबॉल। आपको बताना है कि यहाँ पर राइट प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 है इन, सेकंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है एट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर। तो यहाँ पर आपका जो राइट प्रपोजिशन प्रयोग होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुड एट। ध्यान रहे, गुड के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह बैड के साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन बैड एट होता है, लेकिन याद करें कि वीक के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, गुड एट इंग्लिश, बैड एट मैथ्स, बट वीक इन इंग्लिश, इस तरह से आपको याद करना है, ये फिक्स प्रपोजिशन से क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन यूज हुआ राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, सी प्रोटेस्ट डैश डिस्क्रिमिनेशन। आपको बताना है कि कौन सा यूज होगा ऑप्शन यहाँ पर, अबाउट, अगेंस्ट, फ्रॉम या फिर फो। तो राइट जो ऑप्शन यूज किया जाएगा, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट प्रपोजिशन यूज करना ऑप्शन नंबर बी, और अगेंस्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 3, किसी इज अफ्रेड डैश कैट्स। वह डरती है, किससे डरती है, कैट से। तो अफ्रेड के साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, एट, ऑफ, अबाउट या फिर फो, क्या यूज होगा। तो राइट प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे ये करेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, अफ्रेड ऑफ कैट्स, यानी सी इज अफ्रेड ऑफ कैट्स, ये है आपका राइट आंसर सेंटेंस नंबर 3 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर है आपका 4, एंड सेंटेंस नंबर 4 में है द फैमिली डजेंट फील डैश गोइंग आउट इन दिस सीजन। तो यह बताना है लाइक, डिसलाइक, गुड या फिर विद इन, कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा सेंटेंस नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो राइट प्रपोजिशन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फील लाइक। ध्यान रहे, लाइक आपका प्रपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आपका 5, एंड सेंटेंस नंबर 5 में है द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड एज गिविंग बोनस टू इट्स वर्कर। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड पूरा एक आपका फ्रेज है, आप फ्रेज वर्ब बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, फोर, ऑन, एट या फिर टू। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है आपका होप विद प्लेजर, क्लियर, याद कर लिए, लुक फॉरवर्ड टू पूरा फ्रेज रहेगा आपका। नेक्स्ट है 6, 6 में क्या है, सी ड्रीम्स डैश बिकमिंग ए डॉक्टर। ड्रीम्स फोर, ड्रीम्स ऑन, ड्रीम्स ऑफ या फिर ड्रीम्स इन। तो बहुत ही सिंपल, फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स प्रपोजिशन हो आपका हो रहा, ये हो रहा ऑप्शन नंबर सी, सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, ये है राइट प्रपोजिशन सेंटेंस नंबर 6 में। यस, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 7, 7 में है सी अपोलोगाइज्ड एज हर मिसबिहेवियर इन, अबाउट, एट या फिर फोर। कमेंट करते चलें सभी लोग और बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा। तो बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन है, यहाँ पर भी आपका राइट प्रपोजिशन यूज होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर, सी अपोलोगाइज्ड फॉर हर मिस बिहेवियर, यानी उसने अपने मिस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। नेक्स्ट है सेंटेंस 8 कि डज सी एग्री व्हाट यू एक्सप्लेन्ड। तो विथ, विद इन, अबाउट या फिर फोर, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, राइट प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे आप सेंटेंस नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए, विद। डज सी एग्री विद व्हाट यू एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, ही लिव्स डैश वेजिटेबल्स दीज डेज।
इन दिनों वो क्या कर रहा है, क्या शाची जीवित रहता है? लिव, लिव के साथ इन, ऑन, एट या फिर फॉर। तो राइट प्रपोजिशन प्रयोग होगा सेंटेंस नंबर 9 में आपका, ऑप्शन नंबर बी, ही लिव्स ऑन। लिव ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ खाकर जीवित रहना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका क्या है, 10। सेंटेंस नंबर 10 में है, पीटर रिमाइंडेड मी माई अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। क्या यूज होगा यहाँ भी, फिक्स प्रपोजिशन है रिमाइंड के साथ, रिमाइंड एट, रिमाइंड इन, रिमाइंड ऑफ या फिर रिमाइंड सिंस, क्या यूज होगा? तो राइट प्रपोजिशन ऑप्शन नंबर सी, पीटर रिमाइंडेड मी ऑफ माई अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर सेंटेंस 10 में। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 11, कि द चाइल्ड इज एलर्जिक। बच्चा कैसा है, एलर्जिक है किससे? इंसेक्ट स्टिंग, यानी कीड़े के काटने से। तो एलर्जिक टू, विद, एट या फिर ऑफ? तो बिल्कुल आपका बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड इज एलर्जिक टू इंसेक्ट स्टिंग्स। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 12। 12 में क्या है, अ मैन इज नोन एज द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी जाना जाता है जैसी वह कंपनी रखता है। तो ये क्या है आपकी, पूरी प्रोवर्ब है, ठीक है, प्रोवर्ब मतलब कहावत। तो यहाँ पर टू बाई एट या फिर फोर में से क्या यूज होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ मैन इज नोन बाई द कंपनी ही कीप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 13। यहाँ पर है, द पेट्रोलिंग वैन चेज द थीव्स डैश द लेंस। यहाँ पर इनटू, अबाउट, थ्रू या फिर एट? तो राइट प्रपोजिशन क्या होगा सेंटेंस नंबर 13 में? तो यहाँ पर जो यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू, ठीक। द पेट्रोलिंग वैन ने क्या किया, चेज किया, पीछा किया, किनका, थीव्स का, कहाँ पर, गलियों में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 13 में। नेक्स्ट है 14, द सीक्रेट डैश सक्सेस लाइज इन हार्डवर्क। यानी जो सफलता का सीक्रेट है वो किस में निवास करता है, हार्डवर्क में। तो सीक्रेट ऑफ, सीक्रेट फॉर, सीक्रेट अबाउट या फिर होगा सीक्रेट ऑन? तो राइट आंसर बहुत ही सिंपल, कि सफलता का सीक्रेट यानी कि ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन हार्डवर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 15, एंड 15 में है, सी सैड एयरली दैट सी हैड नॉट स्मॉक्ड एजेस। यानी उसने स्मोकिंग नहीं की है, कब से नहीं की थी, एजेस से, इनडायरेक्ट नरेशन के वे में समझ सकते हैं। अब आपको बताना बाई, फोर, इन टू या फिर विद इन में से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, एजेस आपका टाइम है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, और राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका फोर, कि सी हैड नॉट स्मॉक्ड फोर एजेस। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 16, मिस्टर सेठी लिव्स डैश एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन हैदराबाद। मिस्टर सेठी कहाँ रहते हैं, हैदराबाद में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में। इन, ऑन, एट या फिर फोर? तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सेंटेंस नंबर 16 में, ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर सेठी लिव्स इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये है आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 17 में है, द फादर्स रोल वॉज ब्रॉड टू लाइफ डैश द एक्टर। अब यहाँ पर क्या यूज होना, इन, ऑन, बाई या फिर ऑफ? तो करेक्ट प्रपोजिशन यूज हो रहा है यहाँ पर आपका, ये हो रहा, अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, वॉज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, द फादर्स रोल, और डूअर कहाँ है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, और यूज करिए आप यहाँ पर। यस, और 18 में है, द पीएम कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडियन क्रिकेट टीम। प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, इंडियन क्रिकेट टीम को, देयर सक्सेस इन 2011 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर क्या यूज होना है आपका राइट आंसर, ऑन, इन, फोर या फिर एट? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर यूज किया जाएगा ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि
कॉन्ग्रेचुलेट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑन, चाहे कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन लिखा हो या फिर वर्ब हो, दोनों के साथ प्रपोजिशन आपको ऑन का यूज ही करना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 19 में क्या है, सच डिफिकल्ट वर्ड्स आर ऑलवेज फाउंड एट डिक्शनरी, यानी इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स हमेशा कहाँ मिलते हैं, डिक्शनरीज में, इन, ऑन, एट या फिर फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या होगा, फाउंड इन डिक्शनरीज, ठीक है ना, पाए, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है, इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस 19 में। नेक्स्ट है 20 में क्या है, वी शुड नॉट पुट डैश विद दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, हमें इस तरह, अब यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी सीधा सीधा, तो बताइए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी पुट अप विद, क्लियर, कहाँ पर है आप, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 में। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 21, आई मस्ट अपोलोराइज यू नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको नहीं पहचान पाया। इन, ऑन, आर्टिकल तो यूज होना नहीं है, फोर क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 21 में, तो राइट आंसर यहाँ पर यूज होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर क्या यूज करना है, अपोलोराइज फोर, पहले भी आ चुका है, यहाँ भी आपको फोर प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना है। सेंटेंस है 22 में है, She has been working there, वह वहाँ काम कर रही है कब से, 2 सालों से, since, from, for या फिर within। तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा हुआ है, 2 years आपका टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, और टोटल पीरियड ऑफ टाइम से पहले यूज किया जाता है आपका प्रपोजिशन for। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस नंबर 22। ओके, नेक्स्ट है 23 क्या है, पेरेंट्स ऑफन इंसिस्ट, पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर इंसिस्ट करते हैं गुड मैनर्स, इंसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, ये नहीं आएगा, एंड फोर, कौन सा प्रपोजिशन राइट होगा 23 में, तो राइट आंसर होगा इंसिस्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑन, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी राइट यूज करना है क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 24 में, मिस्टर जॉन हैज बीन द CEO ऑफ हिज कंपनी 2005, यानी मिस्टर जॉन CEO हैं अपनी कंपनी कब से, 2005 से, सिंस, फोर, फ्रॉम या फिर ऑन, क्या यूज हो रहा, तो सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, परफेक्ट टेंस में, यूज क्या करेंगे आप, 2005 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है सिंस 2005। एंड लास्ट सेंटेंस लेते हैं आज का, और लास्ट है आपका वाई डू यू लीन डैश द वॉल, इसके साथ भी आपका फिफ्थ प्रपोजिशन आता है, लीन अगेंस्ट, लीन इनटू, लीन ऑन या फिर एट, तो क्या होगा राइट आंसर 25 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर यूज करना है आपको अगेंस्ट, क्लियर, वाई आर यू लीन अगेंस्ट द वॉल, क्लियर। तो आप लोग अपना टोटल स्कोर शेयर कर सकते हैं, टोटल स्कोर 25 का कितना है, क्लास पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश पॉइंट ऐप को, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग नीचे लिंक है उस पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।